Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर ने कहा है कि सपा का लक्ष्य हमेशा से किसान व मजदूरों की राजनीति करना रहा है। उद्देश्य पहले से ही रोटी कपड़ा मकान रहा है। भाजपा यदि दावा कर रही है कि 17 नगर निगम में कमल का फूल खिलेगा तो बिना चुनाव हुए ऐसा दावा करना कहीं ना कहीं संदेह को जन्म देता है। मेरठ में सपा मजबूत है, विधानसभा के ताजे नतीजे इस बात का गवाह भी हैं। रही बात अतीक अहमद के, तो यदि किसी भी घटना के बाद तार जोड़े जा रहे हैं तो सोचना पड़ेगा। लंबे अरसे से मोदी योगी का विजय, फिर भी यदि माफिया के तार जुड़े हुए हैं तो फिर यह कमी किसकी है। सपा विधायक शाहिद मंजूर आज मीडिया से वार्ता कर रहे थे, देखिए क्या कहा विधायक शाहिद मंजूर ने। देखिए, समाजवादी पार्टी का लक्ष्य हमेशा से किसान और मजदूर, इसकी राजनीति करना रहा है। समाजवादी पार्टी का उद्देश्य पहले से ही रोटी कपड़ा और मकान रहा है। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य हमेशा से यही रहा है कि दवा कढ़ाई सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, इसी सिद्धांत पर समाजवादी पार्टी काम करती है। भाजपा का दावा है कि 17 नगर निगम में कमल खिलेगा, समाजवादी क्या करे? अब भारतीय जनता पार्टी अगर दावा करती है तो वो सरकार में है, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही दावा किया जा सकता है, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दावा अगर नहीं हो रहा है तो अभी ईवीएम इलेक्शन हुआ नहीं तो कैसे दावा कर रहे हैं? यानी आप ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी होने की आशंका? मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी कैंडिडेट अभी कैसे दावा कर सकता है और कोई भी पार्टी कैसे, जब तक कि चुनाव ना हो। और अगर कोई दावा कर रहा है इसका मतलब है वो शासन प्रशासन को इलेक्शन में इस्तेमाल करेंगे। मेरठ में क्या स्थिति देख पा रहे हैं? एक नगर निगम, 13 नगर पंचायतें, 2 नगर पालिका। मेरठ में समाजवादी पार्टी मजबूत है, अभी MLA के चुनाव हुए हैं, उसका आप रिजल्ट देख लीजिए। एक सीट को छोड़ के बाकी सब सीट समाजवादी पार्टी या लोकदल उसके गठबंधन पर रही हैं। यह है समाजवादी पार्टी की यहाँ पर स्थिति। हम मजबूत हैं और सारी सीट, सारी टाउन एरिया मजबूती के साथ लड़ेंगे। अच्छा, अतीक के दार तमाम पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, बसपा से पूर्व सांसद रहे हैं, कुछ तस्वीरें शिफ्ट दूसरे लोगों के साथ भी आई हैं, तो ऐसे में आप क्या समझते हैं, क्या राजनीतिक तार जोड़े जा रहे हैं या वास्तव में कोई कनेक्शन थे इन लोगों के? देखिए, किसी भी घटना के होने के बाद अगर तार जोड़े जाते हैं तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। 9 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार है भारत सरकार, और 7 साल से माननीय योगी जी की सरकार है, तो 7 साल के बाद, 6 साल के बाद और 9 साल के बाद अगर कोई माफिया बचे हैं और उनके तार अभी भी सक्षम काम कर रहे हैं तो इसमें किसकी कमी है? सरकार को सोचना चाहिए कि उनकी कहाँ फेलियर थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन के दौरान ये पोलराइजेशन की भी एक राजनीति है, क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को, ठीक निकाय चुनाव से पहले ये अतीक अहमद का पूरा प्रकरण, जिस पार्टी की जो पॉलिसी है ध्रुवीकरण की वो तो उसी पर काम करेंगे और उसी को लेकर आगे बढ़ती है। और जहाँ तक सवाल है इन सब बातों का, तो मीडिया भी तो उन्हीं बातों को दे रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।